हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैप एंड बट वेल्ड जॉइंट। लैप और बट वेल्ड जॉइंट हमको नॉर्मली तो पता है कि हाँ, दो मेटल पीस को जब हम वेल्ड करते हैं तो आइदर लैप मेथड से करते हैं या फिर आपका बट वेल्डिंग करते हैं। दोनों का हमको पता है कि हाँ क्या होता है, कैसे लैप करते हैं, कैसे वेल्ड करते हैं। लेकिन जो BOE में है केवल मतलब थ्योरेटिकल से अलग न्यूमेरिकल्स में भी आते हैं। इन दोनों के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं और कई स्टेट का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो इनको सॉल्व करना आपको मतलब ऐसा है कि हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत सिंपल सा है, बट एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। एक बार आप उसको देख लोगे तो फिर आराम से सॉल्व कर लोगे। बहुत ही ईजी है, 2 या 3 लाइन का न्यूमेरिकल होता है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों ही मेथड अपने आप में कंप्लीट है और बहुत ही ईजी है। एक बार देखने का ज़रूरत है, फिर दोबारा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी देखने की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लैप और बट वेल्डिंग जॉइंट के बारे में आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे लैप जॉइंट के बारे में, ठीक है। लैप जॉइंट क्या होता है? जब दो सीट्स को एक दूसरे के ऊपर रख करके वेल्डिंग करते हैं, जैसे ये जो वेल्डिंग आपको दिख रहा है, इसको दो सीट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया और उसके बाद जब उसको वेल्ड किया तो उसको हम बोलते हैं लैप वेल्डिंग, ठीक है। ये सिंगल लैप जॉइंट है, एक डबल लैप जॉइंट होता है जब हम यहाँ पर इधर इस पोर्शन पर भी नीचे भी वेल्ड कर देंगे, उसको डबल लैप वेल्डिंग हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये सिंगल टाइप लैप वेल्डिंग है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको वेल्ड करते हैं तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, टेंसाइल लोड के कारण, क्योंकि ये मेटल दोनों फ्यूजन के बाद एक दूसरे को टेंशन में क्रिएट कर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करते हैं दोनों वेल्डिंग जो होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस को ही कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, हमको अपने लास्ट जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा है कि हाँ, टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, टेंसाइल लोड अपॉन जो एरिया है। सिंपल सा है, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल लोड अपॉन वेल्ड एरिया। इसमें जो मेन है वो वेल्ड एरिया ही है। वेल्ड एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वही मेन है, हमको उसी को जानना है मेन। तो वेल्ड एरिया के लिए क्या करना है, वेल्ड एरिया जो होता है वेल्डिंग के केस में वो होता है लेंथ ऑफ द वेल्ड, यानी कि जो ये लेंथ है, ये इसकी जो कितना लेंथ है, इनटू द थ्रॉट थिकनेस, ठीक है। थ्रॉट थिकनेस क्या होता है इसके बारे में हम नीचे जो डायग्राम है उससे हम समझेंगे, ठीक है। थ्रॉट थिकनेस आपको दिख रहा है कि हाँ, ये हमने दो मेटल पीस को वेल्ड किया, इस मेटल पीस के वेल्डिंग में जो ये डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वेल्ड का, यानी कि ये S जिसमें आपको दिख रहा है, ये S होता है थ्रॉट थिकनेस, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस। तो हमें क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेल्ड L इंटू थ्रॉट थिकनेस S, इसको हम जब करते हैं तो उसका वेल्ड एरिया हमको निकल जाता है कि हाँ, वेल्ड एरिया हमारा कितना है। तो मेन हमारा जो फोकस होता है लैप वेल्डिंग में, हमारा खासकर लैप वेल्डिंग में, क्योंकि हम जब बट वेल्डिंग में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत आसान होता है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। थ्रॉट थिकनेस लैप वेल्डिंग में ही थोड़ा सा निकालना टफ होता है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन BOE में लैप वेल्डिंग के ही आते हैं इंस्टीड ऑफ बट वेल्डिंग के, लेकिन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा ये जो मेन S निकालने का है, सिंपल सा है, उसमें भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये किया तो यहाँ पर राइट एंगल बना, तो साइन 45 जब हम लेते हैं एंगल को, हमारा ये टी थिकनेस पता है, ये हमको पता है थिकनेस, तो S इज इक्वल टू टी साइन 45 हो जाएगा। इजीली आप देख सकते हो, कोई बहुत मतलब हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है, सिंपल टिग्नोमेट्री है। तो हमारा जो S यानी कि जो थ्रॉट थिकनेस हो जाएगा वो हो जाएगा थिकनेस अपॉन रूट टू, ठीक है ना। सिंपल सा है, आप यहाँ पर अब इस थ्रॉट थिकनेस S को हम यहाँ पुट करेंगे तो जो वेल्ड एरिया आएगा वो होता है लेंथ इंटू द थिकनेस ऑफ द सीट डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू। वेल्ड एरिया आ गया तो बस उसको पुट करना है हमको फार्मूला में, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल लोड अपॉन जो वेल्ड एरिया है। फार्मूला लास्ट में क्या होता है, अंडर रूट टू एफ डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द वेल्ड इंटू द थिकनेस ऑफ द जो सीट है, वही फार्मूला है। लेकिन ये जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल लैप वेल्डिंग के लिए है, डबल लैप वेल्डिंग के लिए हमको अलग से निकालना पड़ेगा। डबल लैप वेल्डिंग कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, पहले टेंसाइल लोड निकाल लेंगे कि हमारा सिंगल लैप वेल्डिंग में टेंसाइल लोड कितना होता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसी फार्मूले को, जो ये फार्मूला है इसको सिंप्लीफाई कर देना है। टेंसाइल लोड इज इक्वल टू, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.707 सिग्मा टी इंटू लेंथ इंटू थिकनेस, ठीक है, ये आएगा सिंगल लैप वेल्डिंग के लिए जो हमारा फार्मूला ये आएगा। अभी इसको हम जब डबल लैप वेल्डिंग के लिए करेंगे, डबल लैप वेल्डिंग में क्या होता है, दोनों साइड वेल्डिंग हो जाता है, आपको दिख रहा है फार्मूला सॉरी इमेज में। अब इसमें क्या होता है कि सिंगल लैप वेल्डिंग में जितना लोड होगा, जितना टेंसाइल लोड डेवलप होगा, उसका जस्ट डबल जनरेट होगा टेंसाइल लोड हमारा डबल लैप वेल्डिंग में।
तो जस्ट उसको डबल कर देंगे तो हमारा डबल लैप वेल्डिंग के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा 1.414 सिग्मा टी एल इंटू टी। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी आया था, छत्तीसगढ़ बीओई में भी पेपर में आया है, बाकी और भी बीओईज में आए हैं, लेकिन जो इसमें हमने न्यूमेरिकल कंसिडर किया है वो छत्तीसगढ़ बीओई में जो 2017 में पेपर में क्वेश्चन था उसको कंसिडर किया है, उसको लास्ट में हम सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है दूसरा, बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में क्या होता है, बट ज्वाइंट में जब हम सीट को अगल बगल रख करके वेल्ड करते हैं, यानी कि एक दूसरे के एडजेसेंट बगल में रख करके और उसको वेल्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बट ज्वाइंट। ठीक है, ये भी सिंपल होता है, एडजेसेंट एक दूसरे के रहने के बाद, एक दूसरे के पैरेलल रखने के बाद उसमें क्या होता था, एक दूसरे के ऊपर रख के वेल्ड करते थे, ये एक दूसरे के एडजेसेंट रख के वेल्ड करते हैं। सेम फार्मूला, सिग्मा टी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है, टेंसाइल लोड, सिग्मा टी टेंसाइल लोड, एफ टेंसाइल लोड, सॉरी सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस, एफ टेंसाइल लोड और ए वेल्ड एरिया। अब यहाँ पर हमको वेल्ड एरिया निकालना है तो यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा था कि बहुत सिंपल है क्योंकि जो थ्रॉट थिकनेस है, जो बता रहा था मैं कि हाँ थ्रॉट थिकनेस है वो जो मेटल का सीट का थिकनेस है उसके बराबर रहेगा, तो इसमें हमको थ्रॉट थिकनेस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर हमको निकालने की जरूरत पड़ती थी। तो सिंपल सा है, एल इंटू टी सिग्मा यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फार्मूला पुट करने के बाद हमारा टेंसाइल लोड एफ इज इक्वल टू सिग्मा टी एल इंटू थिकनेस, और डबल लग रहा है बट वेल्ड है तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो सिंपल सा है, बट वेल्डिंग ज़्यादा आसान है। अगर हम बात करें कि हाँ लैप वेल्डिंग का, तो लैप वेल्डिंग में बस कुछ नहीं है, इसको अंडर रूट से टू से डिवाइड कर दीजिए तो और सॉरी अंडर रूट टू से डिवाइड कर देंगे तो और सिंपल हो जाएगा, मतलब वो रूट अंडर रूट टू टाइम्स होता है। अगर हम बात करें तो ये अंडर रूट टू टाइम्स हो जाता है लैप ज्वाइंट का, जो बट ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो आप दोनों फार्मूला को एक दूसरे के साथ रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये डबल बट ज्वाइंट इस टाइप का होता है और सिंगल बट ज्वाइंट ऐसा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल क्या था कि टू सीट प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.2 सेंटीमीटर थिक आर ज्वाइंट बाय डबल लैप वेल्ड। ये डबल लैप वेल्डिंग ज्वाइंट से है, तो फार्मूला हमको जो था याद है आपको, एफ इज इक्वल टू 1.414 सिग्मा टी इंटू टी इंटू एल। ठीक है, तो उसमें क्या दिया है कि हाँ एक थिकनेस दे दिया इन्होंने, इसकी विड्थ दिया है, इस फार्मूला में कभी विड्थ का जरूरत नहीं था तो हमें विड्थ का जरूरत वाइड का जरूरत नहीं पड़ेगा इसकी जो विड्थ है। इसमें और क्या दिया हुआ है इसका कि जो स्ट्रेस है नॉट टू बी एक्सीड 75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने न्यूटन इसको सिंप्लीफाई कर दिया स्ट्रेस को, 75 × 10³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इन्होंने क्या दिया है, टेंसाइल लोड कितना है वो है 100 किलो न्यूटन। फार्मूला में रखेंगे सिंपल सा लैप जॉइंट का फार्मूला। इन्होंने लेंथ पूछा है कि हाँ इसका लेंथ कितना होगा, तो लेंथ सीधा सीधा है, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 0.7544 मीटर या फिर 75.44 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेटर होता है, हमें ऐसा नहीं कहाँ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करने की जरूरत है, यहाँ पर वो आप कैलकुलेटर में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मेन क्या है, हमको इसमें यही चीज़ देखना है कि चार चीज़ें होती हैं जिसमें से तीन दी हुई होती हैं और एक कैलकुलेट करना होता है। बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हाँ आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया है तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करेंगे तो मुझे भी टाइम देने में आपको लगता है कि हाँ टाइम दे रहा हूँ तो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।